बच्चों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं ना? अच्छे रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। आज दिनांक क्या है बच्चों? आज दिनांक है 3 मई 2021 और दिन क्या है? गुरुवार। और गुरुवार को बृहस्पतिवार भी कहते हैं ना बच्चों? और आप सब बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं। और श्रेया बेटा, ईशु, देव, आप सब कहाँ चले गए? आप लोगों का होमवर्क नहीं दिख रहा है। श्रेया आपको दिख रहा है। और परिधि बेटा, आपका होमवर्क बहुत अच्छे से आता है। आप ऐसे ही पढ़ते रहिए। और शौर्य बेटा, आप तो होमवर्क सेंड कर रहे थे ना, अब क्या हो गया है? नहीं सही से पढ़ाई हो रही है? कृष्णा एंड शशांक, वेरी गुड, बहुत अच्छा वर्क आप कर रहे हो बेटा। और आज ग्रुप में देखा ना, किसका सबसे अच्छा होमवर्क आया था आज? लक्ष्य का। लक्ष्य बेटा, आपका भी वीडियो बहुत अच्छा लगा। और कृष्णा बेटा, शशांक, आप सब कहाँ चले गए हो? कोई सीरियस पढ़ाई नहीं ले रहा है, पढ़िए ना। ये जो आपका टाइम है, इसे खराब नहीं करना है ना, पढ़ाई करते रहनी है ना। एक बार टाइम चला गया हाथ से तो दोबारा नहीं वापस आएगा, ठीक है बच्चों? ठीक है। तो हम हिंदी में क्या क्या पढ़े हैं? आ की मात्रा हो गई है, बड़ा की मात्रा हो गई और छोटी ई की मात्रा हो गई है, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले बड़ा आ की मात्रा और छोटी ई की मात्रा क्या करेंगे? दोहराएंगे, रिवीजन करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। और उसके बाद मैम आपको क्या बोलेगी? इमला बोलेंगी, ठीक है। और आपको क्या लिखना है? इमला लिखना है। इमला मतलब समझते हो? मैम जो शब्द बोलेंगी, आपको सुन के उसे लिखना है, इसे क्या कहते हैं? इमला। और बोलने के बाद जैसे भी आप ये वीडियो देखेंगे, तुरंत लिख के और आपको सेंड करेंगे और किसी की हेल्प नहीं लेंगे, ठीक है। और सही सही वो फोटो क्लिक करके सेंड करेंगे ना। किसी के फोटो बिल्कुल क्लियर नहीं आती, मैम को बिल्कुल नहीं दिखाई देती है, मैम कैसे चेक करेंगी, बताइए बच्चों? इसलिए तुरंत सुनना है, जो भी समझ में आए लिखना है, ठीक। मैम डांटेगी नहीं, मैम मानेगी नहीं, ठीक है। आप गलती करोगे तभी तो सीखोगे, अगर आप गलती करोगे नहीं तो सीखोगे कहाँ से? इसलिए आपको लिखना है बस, ठीक है। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं? पढ़ते हैं और उसके बाद इमला लिखते हैं। तभी तो मैम को पता चलेगा कौन सा बच्चा कितना पढ़ाई कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आइए चलिए पहले हम पढ़ते हैं। आपके आ की मात्रा, बड़ा की मात्रा वाले शब्द है ना बच्चों? सागर का मा मा, सागर का मा मा। तो पढ़ते हैं, आप सबको पता होगा ना, हमारा बड़ा समूह कब खुलता है? जब वर्ण पे बड़ा आ की मात्रा होती है, जैसे सागर का मा मा आ या, सागर का मामा आया। मा मा बा जा ला या, मामा बाजा लाया। सागर मामा का कहना मान, सागर मामा का कहना मान। सागर बा जा र बाजार, जा कर सा मा न समान ल सा मा न। देखो बच्चों, इस पे आ की बड़े आ की मात्रा आती है तो कैसे मैम बोलती है, खींच के बोलती है ना उस शब्द को, सा मा न, ना पे मात्रा नहीं है तो सा मा न समान। ला कर खा ना खा, समान ला कर खाना खा।
खाना, खा कर, बाजा, बजा, सामान लाकर खाना खा, खाना खा कर बाजा बजा, बाजा, बाजा, बजा कर, गाना, गा, बजा, बजा कर गाना गा, गाना, गा कर, मन बहला, गाना गा कर मन बहला। अब ना आपको क्या ध्यान में रखना है बच्चों, जिस अक्षर पर आ की बड़े आ की मात्रा होती है उसको मैं बहुत मुँह बड़ा बड़ा करके बोलती है, जैसे आम, माँ पे मात्रा नहीं है तो माँ पे मुँह नहीं खुलेगा। अब माँ, माँ, दोनों माँ पे मात्रा थी ना, तो दोनों पे मुँह खुल रहा था, माँ माँ। गुनगुनाओ, काला काला बादल, काला काला जब बादल होता है तो क्या होती है, खूब बारिश होती है। काला काला आया बादल, आसमान पर छाया बादल, जल भर भर कर लाया बादल, झम झम जल बरसाता बादल, कागज ला नाव बना, सरपट अब यह नाव चला। ये हो गई आपकी बड़ा आ की मात्रा वाले शब्द। और बच्चों ये जो गुनगुनाओ, जो ये आपकी कविता है, इसको आपको किस में लिखना है, कॉपी में लिखना है। ये आपका क्या है, होमवर्क है। ठीक है बच्चों, और आपको याद करना है और याद करके सुनाना है। जैसे लक्ष्य बेटा आज आपने सुनाया ना, और शशांक बेटा आप भी करते हो ना ऐसे ही, और सारे बच्चे भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है, एक बार फिर से हम पढ़ते हैं। काला काला आया बादल, आसमान पर छाया बादल, जल भर भर कर लाया बादल, झम झम जल बरसाता बादल, कागज ला नाव बना, सरपट अब यह नाव चला। ठीक है बच्चों, ये आपको ये सुलेख लिखना है ना। सुलेख मतलब क्या होता है, सुंदर सुंदर शब्दों में लिखना, जिसे कहते हैं सुलेख। ठीक है बच्चों, अब ई की मात्रा भी तो आपने पढ़ ली है ना, इसको भी दोहराएंगे। दिन निकला, दिन निकला गया, चिड़िया छत पर आ जा, चिड़िया दलिया खा जा, किसान अब काम पर निकला, किसान गा रहा था, चिड़िया आ जा, चिड़िया आ जा, गाना गा कर दिल बहला जा। ठीक है, अभी तक क्या हो रहा था, जब किसी वर्ण पे बड़े आ की मात्रा लगती थी तो वो वर्ण को कैसे बोलते थे, मुंह खोल के, आ का मा। ठीक है, और जब किसी वर्ण पर छोटी की मात्रा लगती है तो क्या हो जाता है, जो आपका स्वर होता है वो व्यंजन उसी स्वर में बदल जाता है। जैसे द, ये द है ना, ई की मात्रा लग गई तो इसको कैसे बोलेंगे, दी, दी, ई के साथ दी को बोलेंगे ना। जैसे ना, ना के साथ ई निकालेंगे, नी, ना, ना के बाद क्या निकलेगा, ई, नी, ची, डी, ची, डी, ली, की, दी, डी, ची, ची, डी, की, नी, ऐसे सबका वो स्वर जो ध्वनि है आपकी बदल रही ना। आप गुनगुनाओ, दिन निकला,
अब दिन निकला उजियारा छाया, रवि का चाचा दलिया लाया, चिड़िया आजा चिड़िया आजा, दाल का दलिया आकर खा जा, चिड़िया उड़कर निकट आ जा, दलिया खाकर झटपट उड़ जा। तो दोहराव हो गया ना बच्चों, आप चलेंगी मैम क्या बोलेंगी, इमला। इमला मतलब अब मैम बुक बंद करके इमला बोलेगी और आपको सुन करके उसे कॉपी में लिखना है और किसी की हेल्प नहीं लेनी है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है ई म ला, इमला, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या डालना है, क्लास वर्क। और आज दिनांक क्या है, 3 म ई मई 2021। और मैम आपको कितने शब्द बोलेंगे, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पहले आप ऐसे लिख के ऐसे कॉपी रेडी कर लेंगे, ठीक है। अब आपको क्या लिखना है, इमला, ठीक है। तो इमला कैसे लिखेंगे, अब मैम बोलेंगी ना, और जिस वर्ण पे बोलें, जिस वर्ण पे मैम का मुंह ज़्यादा खुलेगा उस पे मतलब आ की मात्रा लगेगी, और जिस वर्ण पे ई की साउंड आएगी, ई निकलेगा जिस वर्ण के साथ उस पे छोटी ई की मात्रा लगेगी, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम बोलते हैं, और किसी से भी नहीं पूछना है, ठीक है, चीटिंग नहीं करनी है, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब पहला शब्द लिखेंगे आप लोग, खाना, खाना, दोनों शब्द पे मुंह खुल रहा है ना, चलिए लिखिए खाना, ठीक है, लिख लिया। पहला शब्द क्या था, खाना, और दूसरा शब्द है हमारा ना, पिन। ई साउंड किस वर्ण के साथ आ रही है, पी पी ना पिन, ठीक है। तो लिखिए आप लोग, मैम भी लिख रही है, पी ना पिन, लिख लिया आप सबने, पी ना पिन, ठीक है। अब तीसरा शब्द बोले, तीसरा शब्द क्या बोले, आप सबको पसंद है और इस समय उसका सीजन भी चल रहा है, गेस करिए, आम, आम। किस शब्द पे मैम का मुंह बड़ा सा खुला, आम, आम, लिखिए लिखिए, आम, आम, लिख लिया, आम, आम, ठीक है बच्चों। अब हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, दिन, दिन ना, दिन, दिन ना, दिन, ठीक है बच्चों। दि ई की ध्वनि किस वर्ण से निकल रही है, द, दि ना, दिन। किसी से हेल्प नहीं लेनी है, ठीक है बच्चों, आप गलती करोगे तभी तो मैम को पता चलेगा कि हमारे बच्चों का भी क्या नहीं आ रहा है ना, आपकी गलती कौन सुधारेगा, मैम है ना उसके लिए। तो पहले आप गलती तो करिए, और नहीं गलती करते हैं तब तो और अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन आप गलती करते हैं तो कोई मतलब नहीं, बच्चे तब बच्चे सीखते हैं तो गलती करते हैं, ठीक है। अब हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हाँ,
किस शब्द पे, किस वर्ण पे खुल रहा है? पान। ठीक है, कैसे लिखेंगे? पापे मुंह खुल रहा है ना, पान। लिखिए, अच्छे से लिखिए, पान। ठीक है बच्चों, अब मैम क्या बोलेंगी? जो बच्चों पढ़ाया है मैम उसी से बोलेंगी, ठीक, एक्स्ट्रा कुछ नहीं बोलेंगी। अगर आप पढ़े होंगे अच्छे से तो आप जरूर लिख लेंगे। दिल, द, दिल, ला, दिल। ई की ध्वनि किस शब्द से आ रही है? दी, द से आ रही है ना, कैसे लिखेंगे? दी, ला, दिल। चलिए लिखिए, दी, ला, दिल। ठीक है, अब दूसरा शब्द बोले, नाव। किस पे सब मुंह बड़ा सा खुल रहा है मैम का? नाव। इसका मतलब आ के बड़े आ के मात्रा किस शब्द पे लगी है जिस पे बड़ा सा मुंह खुल रहा है? नाव। ठीक है बच्चों, आप सोचो 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 मैम क्या बोलेंगी। सिर, सिरा, सिर, सिरा, सिर। छोटी ई की ध्वनि किस वर्ण, किस वर्ण से आ रही है? सी, रा, सिर, सिर। ठीक है बच्चों, साँप पे किसकी ध्वनि आ रही है? ई ना, सिरा, सिर, सिरा, सिर। यानी सापे छोटी की मानता सिरा, सिर। ठीक है, सिरा, सिर। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब मैं क्या बोलेंगी? ताला, ताला। किस किस वर्ण पे बड़ा बड़ा सा मुंह खोल रही है मैं? दोनों वर्ण पे ना, ताला, ताला। चलिए लिखिए, ताला, ताला। ठीक है, ताला, ताला। ठीक है बच्चों, लिख रहे हैं ना, किसी के हेल्प नहीं लेना है, खुद से करना है। आप एक शब्द लिखो, आप एक लाइन खींचो, लेकिन जो भी करिएगा खुद से करिएगा, ठीक है? हेल्प नहीं लेनी है, ठीक है? मैम सामने से बैठ के हेल्प कर रही है ना। अब लास्ट वर्ड है ना, लास्ट शब्द है, अब क्या बोलेंगी? आपने दिन निकला में एक शब्द बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार। चिड़िया, चिड़िया आपने बहुत बार पढ़ा है ना। तो आप लिखेंगे चिड़िया, इसमें छोटी और बड़ा दोनों की मात्रा है। चिड़िया, चिड़िया। ठीक है बच्चों, च ई, जहाँ पे छोटी की मात्रा ना, चिड़िया। तो आप लोग लिख लिए चिड़िया। ठीक है, एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, ठीक है? जिसका जहाँ से थोड़ा सा भी ध्यान नहीं हो आप फिर से देख सकते हो। खाना, खाना। पीना, पिन। आम, आम। दिना, दिन। पाना, पान। दिला, दिल। नावा, नाव। सिरा, सिर। ताला, ताला। चिड़िया, 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 चिड़िया।
बच्चों, तो ये आपका इंग्ला क्या होता है, खत्म होता है। अब आपको लिख लिए हो तो आप तुरंत अच्छे से फोटो खींचिएगा जिसमें शब्द हमको अच्छे से दिखाई दे और मैम आपकी कॉपी को चेक कर सकें, ठीक है। तो आप हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में, तब तक बाय बाय।